दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो भक्तों, मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो भक्तों, मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो भक्तों, मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो भक्तों, मेरी जुबानी सुनो। सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम भी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने का काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने का काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने का काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने का काबिल था। लक्ष्मण जी न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण जी न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण जी न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण जी न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ी है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ी है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ी है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना।
सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे श्री हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे श्री हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे श्री हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे श्री हनुमान जी। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। दुनिया 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 चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। उन हनुमान की कथा ही प्रस्तुत की जा रही आज से 5 दिन तक। जो ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति है, जिनकी क्षमता का हद नहीं, ऐसी अद्भुत शक्ति, उनकी कहानी है। उनके भी क्या, उनके जीवन में जो सबसे बड़ा काम था वो है विषय इस राम कथा का। राम नाम प्रेम काम, ये इस राम कथा में क्या था। हनुमान के पास हृदय में राम था, वाणी में नाम था, राम का नाम था, हाथ में उनका काम था, और बहुत बहुत प्रेम था राम पर, सीता पर, काम पर, प्रेम पर। उस प्रेम ने जो जो अद्भुत घटनाएं निर्माण की वही सुनने देखने जा रहे हैं हम। एक खोज की कथा है, खोज की कथा है। वैसे जीवन ही एक खोज है, खोज रहे हैं ना सब लोग। कहो कौन है नहीं खोज रहा है। हमारे सामने अप्रोच जो है, हर आदमी खोज रहा है। कोई धन का खोज में है, कोई शांति का खोज में है, कोई कीर्ति का यश का खोज में है, कोई सत्ता का खोज में है, कोई संपत्ति का खोज में है। कौन नहीं खोज में, सब आनंद के खोज में है, सुख की खोज में है सब। हर आदमी खोज रहा है, हर व्यक्ति का जीवन एक खोज है। परंतु हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं इतिहास की सबसे बड़ी खोज। उससे बड़ी खोज हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती ऐसी एक खोज। खोजना अनिवार्य है सबके लिए, खोजना अनिवार्य है। विकल्प है हम सबके सामने, खोजना नहीं तो खो जाना। क्या करोगे, खोजेगा खोजेगा या खोएगा, क्या करेगा, क्या करोगे? खोजेगा नहीं तो खोएगा, और आगे जाने से खो जाएगा।
अनिवार्य है खोजना, खोजना ही पड़ेगा सबको। इसलिए यह शरीर आया है, यह जन्म आया है, यह वातावरण भगवान ने दिया हमको, खोजो। खुद को खोजो, खुद को खोदो और खोजो। खोदना है और खोजना है, भीतर जाना है हमारे भीतर, वहां मिलेगा वो जो हम लोग खोज रहे हैं, जो सब लोग खोज रहे हैं। वैसे नाम अलग अलग है, धन का खोज, धन की खोज कहा हमने, सत्ता की कहा, शांति की कहा, प्रेम की कहा, नाम अलग अलग है परंतु खोज एक ही है, आनंद की ही खोज है। आनंद को ही खोज रहे हैं सब लोग, आनंद का ही अलग अलग नाम है। किसी किसी को लग रहा है संपत्ति में आनंद है, किसी किसी को लग रहा है सत्ता में आनंद है, किसी किसी को लग रहा है कीर्ति में आनंद है। आनंद को ही खोज रहे हैं, वो आनंद बाहर नहीं है भीतर है। इसलिए खुद को खोदना पड़ेगा और खोजना पड़ेगा। आनंद की खोज, आत्मा की खोज, आत्मा की खोज। आनंद आत्मा शब्द दो है, विषय एक ही है। अपने भीतर जो आनंद है, अनंत आनंद है, अपूर्व आनंद है, उस आनंद को ही आत्मा कहते हैं। योगी और भोगी एक ही खोज रहे हैं, भोगी भी आनंद ही खोज रहा है, योगी भी आनंद ही खोज रहे हैं, आप भी वही खोज रहे हैं, हम भी वही खोज रहे हैं। भोगी छोटे सुख में विश्रांत हो जाता है और योगी आनंद में, बड़े आनंद में मस्त रहता है। आनंद की ही खोज, आनंद ही आत्मा है और वही राम है, वही राम है। राम शब्द का अर्थ ही आनंद, रम धातु का अर्थ है आनंद, खेलना आनंद, ऐसा अर्थ है उस धातु का। तो राम माने आनंद, राम की खोज, आनंद की खोज। जब खुद को खोदने का बात कर रहे थे, एक खोज की याद आई हमको। राम के पूर्वज ने खोजा था और खोदा भी था, सागर पुत्र आप जानते होंगे, जिनके कारण सागर बना। सागर रघुवंश का देन है और गंगा सूर्य वंश का देन है, रघुवंश का देन है इस धरती में। सागर चक्रवर्ती ने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिया था और 100 यज्ञ चल रहा था। इंद्र को डर लगा क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वो इंद्र बनेगा, ऐसा है नियम। इंद्र को डर लगा, ये कुर्सी वालों को हमेशा डर रहता है, हम और आप सुखी है क्योंकि हमारे पास खुशी है, पीठ है, सिंहासन है, वो भद्र है, वो कहीं नहीं जाएगा। इसमें एस्पिरेंट्स नहीं है, इसके लिए लड़ने वाले नहीं है, किसी को नहीं चाहिए ये। और आपके पास कुर्सी ही नहीं है, इसलिए हम और आप दोनों सुखी है, वह दुखी है। वो जो गद्दी में बैठे है वो एकदम दुखी है, क्योंकि 1000 लोग खींच रहे हैं उनको। तो इंद्र को डर लगा इंद्र को। इंद्र ने क्या किया, यज्ञ पूरा होने नहीं देना, इसलिए मायामय रूप धारण करके अश्व को चुराया, घोड़े को चुराया। तो उस अश्व के बिना अश्वमेध यज्ञ पूरा होगा नहीं। अगर यज्ञ पूरा नहीं होगा
तो अशुभ होगा। उन ऋत्विजों ने कहा राजा को, हे राजन, हमें और तुम्हें अशुभ होने वाला है, अगर अश्व नहीं मिलेगा यज्ञ पूरा नहीं होगा, तो ढूंढना है अश्व को। सगर ने आदेश दिया अपने पुत्रों को, वो कितने थे? बहुत कम, सिर्फ 60,000। ये फैमिली प्लानिंग वाले नहीं थे उस समय, इनका हार्ट फेल होगा इनको अगर ये सगर की कहानी सुनेंगे। बस एक ही गर्भ में 60,000 पुत्र हो गए वरदान के कारण सगर को, 60,000 वीर पराक्रमी पुत्र, पिता के आज्ञा मानने वाले, आज्ञा टालते नहीं वो, वो पुत्र धरती को ढूंढने लगे। वो एक अद्भुत खोज था, वो अश्व को खोज रहे थे। खोजते खोजते खोदे वो, क्योंकि बाहर नहीं मिला अश्व, ऊपर नहीं मिला, धरती के भीतर होगा, इसलिए धरती को खोदे वो। अंत में अश्व मिला, कपिल महामुनि के सन्निधि में अश्व मिला, परंतु ये भस्मसात हो गई, ये जल गए 60,000 भी। क्यों? इसमें खोज का कोई कारण नहीं है, इसमें खोज का कोई अपराध नहीं है, अनुचित व्यवहार किया कपिल मुनि के साथ, इसके कारण 60,000 भी भस्मसात हो गई। एक हुंकार से भस्मसात कर दिया, जला दिया कपिल महामुनि ने 60,000 सगर चक्रवर्ती के पुत्रों को। वो जो खोदे 60,000 पुत्र धरती को, वही सागर बनाएंगे। और इनको उद्धार करने के लिए गंगा धरती में आई, धरती पर आई गंगा सगर चक्रवर्ती की तपस्या और पौत्र अंशुमान की तपस्या, प्रपौत्र दिलीप की तपस्या, बाद में जो चक्रवर्ती आया भगीरथ उनकी तपस्या, इन सबकी तपस्या के कारण, भगीरथ के अद्भुत प्रयास के कारण गंगा धरती पे आई। इसलिए कह रहे थे हम, खोज का ऐसा फल होता है, उस खोज का फल है सागर, उस खोज का फल है गंगा। तो हम भी खोजे थोड़ा, खोजने से हमको भी सागर मिल सकता है, गंगा मिल सकती है। राम ही सागर है और राम कथा ही गंगा है, ये तो मिलेगा आपको 5 दिन। तो खोदना, भीतर जाना, हमारे भीतर जाना। मनोभूमि जो है धरती, मनोभूमि, मनोभूमि के भीतर जाना, वहां निधि मिल सकता है, सन्निधि मिल सकता है, प्रभु श्री रामचंद्र का सन्निधि मिल सकता है। वैसे एक खोज के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, समस्त विश्व की आत्मा राम है, खोजना है तो राम को खोजना, और राम की आत्मा सीता है तो खोजो, सीता को खोजो, यही कथा है 5 दिन। अगर ज्ञानी बनना चाहते हो राम को खोजो, अगर विज्ञानी बनना चाहते हो तो सीता को खोजो। राम आत्मा है, जो आत्मशोध में मग्न रहते हैं, आत्मान्वेषण में मग्न रहते हैं, उनको ज्ञानी कहते हैं, और जो प्रकृति का अन्वेषण में, प्रकृति का खोज में होते हैं, उनको विज्ञानी कहते हैं। तो एक तरफ राम है, एक तरफ सीता है। अगर भीतर खोजेगा राम, बाहर खोजेगा सीता, सीता राम, राम सीता। इसलिए कहा हमने, विश्व की सबसे बड़ी खोज सीता का खोज है। क्यों? क्योंकि जब इसे हमने कहा, सारे विश्व की आत्मा राम है, राम की आत्मा सीता है, राम की चेतना सीता है, तो सीता को खोज रहे थे वो वानर वीर। कितने?
पूर्व में एक लाख वानर वीर गए थे पूर्व दिशा में, और उत्तर में एक लाख वानर वीर गए थे सीता को खोजने के लिए, और पश्चिम में 2 लाख। दक्षिण का बाद में बताएंगे, या बताएंगे नहीं, क्योंकि इतनी है संख्या जो दक्षिण में गए थे। 4 लाख तीन दिशा में, पश्चिम में 2 लाख और पूर्व में एक, उत्तर में एक। पूर्व में युद्धपति विनत का नेतृत्व था, नेता विनत था युद्धपति, और उत्तर में महावीर शतबली वो नेता था, और पश्चिम में सुषेण जो वानर श्रेष्ठ माना जाता है, सुग्रीव का ससुर है, वो पश्चिम दिशा में। ये 4 लाख तीन दिशा को खोज रहे हैं, और दक्षिण में त्रिभाग बल संवृत, जो सुग्रीव की अनंत सेना थी, अगर वो संख्या में लिखेंगे, उसको नंबर्स में लिखेंगे, तो शून्य लगा के पूरा नहीं होगा, इतना शून्य लगाना पड़ता है। इतनी बड़ी सेना थी सुग्रीव की, उस सेना के त्रिभाग अगर तीन हिस्सा करेंगे, उसमें एक हिस्सा दक्षिण में गई है। इतिहास का सबसे बड़ा शोध इसलिए कह रहे हैं कि कोई शहर नहीं बाकी रह गया जिसको खोजे नहीं वो। धरती का हर शहर, हर गांव, हर जंगल, हर पर्वत, हर नदी, हर सरोवर, हर मरुस्थल, रेगिस्तान, संपूर्ण भूमंडल को खोजे हैं एक व्यक्तित्व के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए। जो पूर्व में गए थे, उत्तर में गए थे, पश्चिम में गए थे, वो लौट आए, सीता नहीं मिली, सीता दर्शन नहीं हुआ, खाली हाथ लौट आई। अब दक्षिण दिशा में जो गए वो लौट नहीं आई। तीन दिशा पूरा ढूंढ लिए, खोज पूरा हो चुकी है, और चौथी दिशा में भी अन्वेषण लगभग पूरा हो चुका है। सिर्फ वो जगह बाकी है जहां सीता है, बाकी सब जगह शोध कर चुके हैं वानर भी। कभी कभी भूख से, प्यास से पीड़ित, कभी कभी श्रम से पीड़ित, कभी कभी युद्ध लड़ना पड़ता था उनको, तरह तरह का भय बीच में, क्योंकि अगर तुम हर गुफा जाओगे, हर पहाड़ जाओगे, हर जंगल घूमेगा, तो नाना तरह का भय दिखेगा ही दिखेगा। दिन रात काम किए, कभी निराशा, कभी दुख, कभी उद्विग्नता। दक्षिण में जो सेना चली गई थी वानर सेना, उस सेना में ऐसा भाव, सुग्रीव की आज्ञा थी 30 दिन में लौटाना, 30 दिन के बाद में जो खाली हाथ लौट आएगा, सीता के वार्ता के बिना लौट आएगा, उस वानर को मृत्युदंड, सुग्रीवाज्ञा। कर्नाटक में सुग्रीवाज्ञा आज भी वो जारी है, वो शब्द आज भी उसका उपयोग करते हैं, सरकार कभी कभी आज्ञा करती है ऐसी, सुग्रीवाज्ञा कहते हैं उसको, जिसको टाल नहीं सकते। चंड शासन है सुग्रीव, चंड शासन, उनकी आज्ञा, अगर आज्ञा का पालन नहीं होगा, वो इतना कठोर होता सुग्रीव, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो भाई हमेशा भीतर, क्योंकि 30 दिन बीत गए, दक्षिण में जो गए वानर, वो अचानक स्वयं प्रभा का बिल में गए, वो प्रवेश कर गए,
जब बाहर निकले पता चला 30 दिन बीत गए हैं। इसलिए यहां तक गए थे वो कि मरण तक अनशन करना, प्रयोपवेश कहते हैं जिसको, अन्न जल छोड़ के मरण की प्रतीक्षा करना, मृत्यु की प्रतीक्षा करना। इतना दुख के बाद में एक शुभ वार्ता, एक सुख वार्ता मिली थी उनको गृध्रराज संपाति के द्वारा, जो जटायु के बड़े भ्राता है, संपाति के द्वारा एक अच्छी खबर, एक शुभ वार्ता। संजीवनी समझो उस वार्ता को, क्योंकि उससे जीवन मिला वानरों को जो मरने के लिए बैठे थे। शुभ वार्ता मिली थी वानरों को, पता चल गया सीता कहाँ है, अब क्या बाकी है, वहां जाना, स्वयं दर्शन करना, संवाद करना, संदेश लेके लौटना, बस इतना ही बाकी है। पता तो चल गया सीता कहाँ है। आख्याता गृध्रराजेन समुत्प्लुत्य प्लवंगमाः संगता प्रीति संयुक्ता विनय दुस्सिंह विक्रमा संपातेर्वचनम श्रुत्वा हरयो रावण क्षयम् सृष्टा सागरमा जग्मुः सीता दर्शन कांक्षिणः। प्रीति संयुक्ता, आनंद तुंदिल है वो सारे वानर वीर, विनेदु गरज रहे खुशी। पता चल गया अब होगा काम, कामयाब होके लौटेंगे। बड़े गर्व से ऐसा भाव, परंतु एक छोटा सा विघ्न है। क्या? बस वानरवीर और सीता के बीच में सागर है। वह कितना छोटा? बस 100 योजन, 400 कोस, अर्थात 400 माइल्स। बड़े आनंद से आए थे सागर तक, जब सागर को देखे वो विचलित हो गई। अभिक्रम्य तु तं देशं ददृशुर्भीम विक्रमाः, वो भीम पराक्रमी है, वो एक एक वानर भी अद्भुत पराक्रमी है, परंतु इतना नहीं। सागर को लांग के पार करने के जितना नहीं। वैसे वो प्लवगाह प्लवंगमाह प्लवंगाह ये शब्द है उनके लिए, छलांग मारना सहज है इनको, नैसर्गिक ही। एक साधारण बंदर को भी नैसर्गिक ही, वो पेड़ से पेड़ में वो छलांग मारता है, वो ये तो महावानर है, हम कल्पना ही नहीं कर सकते। चलता फिरता पहाड़ के जैसी इनकी आकृति होती थी वानरों की, आकृति में भी बड़े हैं और क्षमता में भी, परंतु इनके पास विमान नहीं था, पंखियां नहीं थे इनको, तो कैसे जाएंगे लंका सागर पार करके। देखते हैं सागर को, महासागर को देखते हैं। कृत्स्नं लोकस्य महतः प्रतिबिंबमिव स्थितम्, विराट विश्व के प्रतिबिंब के जैसा रहता था, जैसा लगता था सागर, विराट विश्व के प्रतिबिंब के जैसा।
जिसकी उपमा ही नहीं, गगनम गगनाकारम सागर है सागर उपमा। आसमान को आसमान से ही तुलना कर सकते हैं, सागर को सागर से ही तुलना कर सकते हैं, उपमा ही नहीं है। इतना विशाल, इतना गहरा और भयंकर भी। कहीं कहीं लगता था सागर सोया है, जहां तरंग कम है लहर कम है वहां लगता था सोया है। कहीं कहीं लगता था खेल रहा है, जहां छोटे छोटे लहरें उठते थे वहां लगता था खेल रहा है, कहीं कहीं लड़ने आ रहा है ऐसा लगता था। जहां उत्तल तरंगे उठती थी वहां लगता था वानरों को लड़ने आ रहा है महासागर हमसे। वो सागर को देखते हैं और सोचते हैं क्या क्या होगा सागर के भीतर, क्रूर जल जंतु कितने होंगे, राक्षस कितने होंगे। संकुलम दानवेंद्र इच्छा, दानवालय कहते हैं सागर को, सागर तल ही पाताल है, सागर तल को ही पाताल कहते हैं, पाताल द्वार पाताल मुंह सागर तल है। तो दानवों का भी केंद्र है, राक्षसों का भी केंद्र है वो सागर। उनके लिए स्वादिष्ट मिष्ठान बन सकते हैं ये, अगर बीच में गिरे सागर में पार्टी हो सकती है जल जंतुओं की और दानव। उनको लग रहा था ये सागर सागर नहीं, ये प्रत्यक्ष मृत्यु है, भयंकर मृत्यु है। कैसे करेंगे, आकाश में वो दुष्पारम, ऊपर जैसा आसमान है वैसा ही ये सागर, ऐसा लग रहा था इनको। आसमान जैसा अनंत है ये सागर भी अनंत है। विषय दुस्साहसा सर्वे, तुरंत विषण हो गए, दुखी हो गए तुरंत। जितने खुश थे थोड़ी देर पहले उतने ही दुखी। सुख के स्वर्ग में झूम रहे थे तो अब दुख के पाताल में गिर पड़े। विषेद विषाद हुआ, प्रसाद प्रसन्नता चली गई, विषाद हुआ। कथम कार्यम कथम कार्यम, कैसे करें कैसे करें कैसे करें, यही सवाल, एक ही सवाल सब जगह। विषण्णाम वाहिनीम दृष्ट्वा सागरस्य निरीक्षणात् आश्वासयामास हरिं भयार्तान् हरिसत्तमः। कौन कौन थे जो दक्षिण में आए हैं वानर वीर, उनमें कौन कौन थे? जांबवान जो सबसे ज्येष्ठ है वानरों में, सबसे बूढ़ा, अंगद युवराज है वो, किष्किंधा का युवराज अंगद, नील अग्निपुत्र नील कपि सेनापति है वो, माधुरों की वो सेना 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 नेता है वो, सेनापति है वो, गज युद्धपति गज गवय गवाक्ष गंधमादन शरभ सुषेण महिंद द्विविध, महा महावीरों को भेजा था सुग्रीव ने दक्षिण दिशा में, क्योंकि सुग्रीव को पता था कि लंका दक्षिण में है और रावण दक्षिण दिशा की ओर ही ले गया सीता को। इसलिए तो जो सक्षम है जो ज्यादा समर्थ है वैसे ही वीरों को दक्षिण में भेजा था। परंतु वो सारे महावीर, उनमें ये भी है हनुमान, कोई पदवी नहीं इनके पास, जैसे सबसे ज्येष्ठ जांबवान है ये सबसे छोटा हनुमान, वानर वीरों में सबसे छोटे थे हनुमान जी। मत्त प्रत्यवर कश्चिन नास्ति सुग्रीव सन्निधौ, स्वयं वही कहते हैं सीता से, मेरे से छोटा कोई नहीं है सुग्रीव की सेना में। आयु में देखो छोटे हैं, पद में देखो
अंगद युवराज है, नील सेनापति है और बाकी प्रधान प्रधान सचिव स्थान है बाकी लोगों को, युद्धपतियां है, इनके पास कोई इतना बड़ा पद नहीं, आयु नहीं, आयु में भी बड़े नहीं, फिर भी खूब मान सम्मान मिलता था हनुमान को, मान सम्मान हनुमान, क्योंकि इनकी प्रामाणिकता, इनकी निष्ठा, इनकी विद्या ज्ञान, ये सब एकदम श्रेष्ठ था। तो ये सब सागर के किनारे बैठे हैं, दुर्लंघ सागर को देख रहे हैं, विषण्ण हो रहे हैं, सारे के सारे विषण्ण हो रहे हैं, और अंगद आश्वासन दे रहा है, हिम्मत देने की चेष्टा कर रहा है। अंगद नेता होने के नाते ये सब करना पड़ता है, डरो मत, करेंगे कुछ, क्या पता नहीं, वो बाद में पता चलेगा, अब डरो मत, सागर को पार करना है। अगर सागर को पार करना है दीपिका, राम की सहारा लेनी पड़ेगी ना। शुरू करो। अवसागर को पार करना तो राम की सहारा अनिवार्य है, वो सहारा लेना ही। रात्रि हो गई है, सुबह की प्रतीक्षा, प्रातःकाल की प्रतीक्षा है, अंधेरा छा गया, रोशनी की प्रतीक्षा है वानर वीरों में, और हम भी जीवन में अंधेरा है, अंधकार है, अज्ञान है, भवसागर को पार करना है तो राम की सहारा चाहिए। पुकारे राम को हम सब।